back to Information Center. I'm Sonam and I'm back with another video. ये video fitness freaks के लिए है, यानी जो लोग fit रहना पसंद करते हैं, right? तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस channel पर, यानी Information Center पर fitness से related video क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर हम अक्सर app, mobile, android phone इन सब चीजों के बारे में बात करते रहते हैं. तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो वीडियो है वो एक ऐप के अराउंड घूमता है. यानी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगी जो आपको फिट रहने में हेल्प करेगा. अब आप रियली एक्साइटेड हो रहे होंगे कि ऐसा कौन सा ऐप है जो आपको फिट रहने में मदद करेगा, राइट? तो आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ऐप के बारे में पता चलेगा. यानी उस ऐप के हेल्प से आप एक मंथ के अंदर काफी ज्यादा फिट हो सकते हैं, क्योंकि ये फिटनेस चैलेंज ऐप है. इट्स 30-day फिटनेस चैलेंज ऐप. इस ऐप के थ्रू आप खुद से चैलेंज करते हैं कि आप कैसे 30 डेज के अंदर खुद को ट्रैक करते हैं कि आपकी कितनी ग्रोथ है, क्या है, कैसा है और खुद को फिट रखना कैसे है. तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ऐप है. मैं सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप एक बार एटलीस्ट देख लो, भले ही आप इस ऐप की हेल्प से फिट रहें या ना रहें. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जिस ऐप की मैं बात कर रही थी वो है 30 डे फिट चैलेंज वर्कआउट. इस ऐप को हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, तो आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए. अब आपको सर्च बार में सर्च करना है 30 डे. आप इतना लिखेंगे ही और सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा 30 डे फिट चैलेंज वर्कआउट. आपको इस ऑप्शन पर टैप कर देना है. अब देखिए, जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ऐप ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको इंस्टॉल बटन मिलेगा. ये ऐप को मैंने अपने मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है. तो इस ऐप के 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं और 4.8 की रेटिंग. तो इसके आगे तो आई डोंट थिंक कि मुझे इस ऐप की तारीफ में कुछ शब्द बोलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर किसी ऐप की 4.8 रेटिंग है तो वो ऐप डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. आई थिंक प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत ही कम ऐप्स हैं जिनकी रेटिंग 4.7 या 4.8 होती है. सो दिस ऐप इज़ वन ऑफ दोज ऐप्स. तो इस ऐप को आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर देना है. तो मैंने कर लिया है इंस्टॉल, तो मैं इसको ओपन कर देती हूँ. ओपन करते ही सबसे पहले आपको ये वाला इंटरफेस दिखेगा. तो ये ऐप सबसे ज़्यादा बेस्ट इसीलिए है क्योंकि ये ऐप आपको ना सिर्फ चैलेंज करके खुद को इम्प्रूव करने के लिए बना है, बल्कि इस ऐप में आपको हर तरीके के वर्कआउट्स डिटेल में सिखाए गए हैं. तो सबसे पहले ये जो चैलेंजेस हैं वहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि आप बिगनर हो. तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइजेस कैसे करनी है वो सीखना पड़ेगा, इजंट इट? तो आप सबसे पहले जो ये मिडिल में टैब है इंस्ट्रक्शंस, वहाँ पर आप चले जाएंगे. यहाँ पर जाते ही आपको ये 5 ऑप्शंस मिलेंगे. तो फुल बॉडी वर्कआउट, एब्स वर्कआउट, बट वर्कआउट, आर्म वर्कआउट एंड लेग वर्कआउट. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सरसाइजें देखना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं. तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप वो वाले ऑप्शन को ओपन कर लेंगे. जैसे कि अगर आपको अपने एब्स फिट करने हैं या एब्स चाहिए आपको, तो आप सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे एंड सो ऑन. तो मैं सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑप्शन को ओपन कर देती हूँ, दैट इज़ फुल बॉडी वर्कआउट. तो देखिए, जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपको ये सारे एक्सरसाइजेस की लिस्ट देखने के लिए मिलेगी. तो हम सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज वाले जो ऑप्शन है उसको ओपन कर देते हैं. हम फर्स्ट ओपन करके देख लेते हैं. अब देखिए, स्पाइडरमैन पुशअप्स, ये वाले ऐप के बारे में यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है ये एक्सरसाइज कैसे करना है. और यहाँ पर आपको ये वाला मूविंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जिससे आप सीख सकते हैं कि ये वाले एक्सरसाइज को कैसे करना है. और अगर आप इसका एनिमेटेड फॉर्म नहीं देखना चाहते हैं और आप किसी रियल बंदे को करते हुए देखना चाहते हैं ये वाला और सीखना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो पर टैप कर देंगे तो आप YouTube पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज कैसे होगी. चलिए करके देख लेते हैं कैसे. सो इस तरीके से आपने देख लिया कि ये एक्सरसाइज कैसे करना है. तो जैसे ही आप पूरे एक्सरसाइजेस को सीख जाएंगे तो आप उस ऐप में बैक बटन के थ्रू वापस आ जाएंगे. अब देखिए, यहाँ पर तो फुल बॉडी के सारे वर्कआउट्स हैं, वैसे ही यहाँ पर एब्स वर्कआउट हैं. तो यहाँ पर आप जाके सीखेंगे कि एब्स के जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो वर्कआउट्स होते हैं वो कैसे करना है. तो यहाँ पर आप जब जैसे ही सीख लेंगे तो इसके बाद आता है चैलेंज का टाइम. तो सारे एक्सरसाइजेस को सीखने के बाद आप ये फर्स्ट ऑप्शन यानी फर्स्ट स्टेप को ओपन करेंगे, दैट इज चैलेंजेस. अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने फुल बॉडी के वर्कआउट्स को सीखा था तो आप फर्स्ट ऑप्शन को टैप कर देंगे.
यहाँ पर ये हैं 6 लेवल्स ऑफ चैलेंजेस। तो सबसे पहले आपको इजी प्लान पर टैप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए जो ये सारे 30 नंबर्स हैं, मतलब ये 30 डेज के स्केड्यूलिंग्स हैं कि आपको क्या क्या कैसे करना है। तो जैसे अगर आप फर्स्ट डे पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट डे में आपको जंपिंग जैक्स 15 टाइम्स करने हैं, स्टेप ऑन टू चेयर 10 टाइम्स करना है, पुशअप्स 3 टाइम्स, और इस तरीके से सारे डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी प्रोग्रेस पूरी ट्रैक होते जाएगी। तो जैसे आप फर्स्ट डे की एक्सरसाइजेस को पूरा कर देते हैं तो आपका उस दिन का कोटा पूरा हो जाएगा, और आप नेक्स्ट डे पर दूसरे दिन का ओपन करेंगे कोटा। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है प्लीज़ फिनिश द फर्स्ट डे स्केड्यूलिंग फर्स्ट, राइट। तो हमको पहले दिन का करेंगे तब भी दूसरे दिन का ओपन होगा। तो इस तरीके से आप पहले इजी प्लान इसके 30 डेज को पूरा चैलेंज को देख लेंगे कि आप पूरा निभा पाते हैं कि नहीं चीज़ों को। फिर आप इजी प्लान 2 ओपन करेंगे, फिर वही उसमें सेम चीज़ है, यहाँ पर उसके डिफरेंट स्केड्यूलिंग्स हैं कि आपको कब कब क्या करना है। तो इस तरीके से आप जब ये पूरा देख लेंगे तो फिर ये पूरे 6 लेवल्स हैं। तो आप जैसे ही इन सबको पूरा कर लेंगे तो ऐसा कोई वजह नहीं है कि आप फिट ना हो पाएँ। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऐप है जिससे आप घर बैठे बिना जिम गए हुए बिना कुछ पैसे खर्च हुए आराम से अपने आप को फिट रख सकते हैं, अगर आप फिटनेस कॉन्शियस पर्सन हैं तो। तो ये फुल बॉडी के वर्कआउट्स हैं, यहाँ पर आर्म वर्कआउट, लेग वर्कआउट, बट वर्कआउट, एब्स वर्कआउट एंड सो ऑन। तो ये कुल मिला के मैंने इस ऐप की पूरी वर्किंग को आपको समझा दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, मेरे लिए नहीं तो कम से कम इस ऐप के लिए, क्योंकि इस ऐप को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है और लोग इस ऐप को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपको भी ये ऐप अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।